इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आगरा पिनाहट से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दलित महिला पत्रकार लगा रही है न्याय के लिए गुहार। जब दलित महिला पत्रकार अपने प्रार्थना पत्र की एनसीआर कॉपी लेने गई, तो विश्वदीप नामक दरोगा ने अपनी वर्दी का रूप झाड़ते हुए महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की और बदतमीजी से बात की। जब महिला पत्रकार ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश की, तो खाकी का रूप झाड़ते हुए दरोगा ने महिला पत्रकार के मोबाइल को छीनने की कोशिश की, जो कि मौजूद वीडियो में पूरे तरीके से दर्शाया गया है। महिला पत्रकार ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मजबूरन मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, जिसका जिम्मेदार आगरा पिनाहट पुलिस प्रशासन होगा। और इसी बात को लेकर 27 नवंबर 2021 को कप्तान साहब आगरा सुधीर कुमार का दरवाजा खटखटाया गया और अगर महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिला, समस्त पत्रकार संगठन धरने पर बैठ जाएगा। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार अंधेरे से उजाले दिखाने वाले पत्रकारों को माना जाता है, लेकिन इस वर्तमान सरकार में पत्रकारों को इंसाफ मिलने के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। तो अंदाजा लगाइए कि आम इंसान की क्या हालत होगी। अब देखने वाली बात यह है कि कप्तान साहब महोदय ऐसे वर्दी के नशे में चूर दरोगा के खिलाफ एसएसपी आगरा सुधीर कुमार जी कितनी कार्रवाई करते हैं। इंडियन टीवी न्यूज के लिए आगरा से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। कमलेश गहलोत, फास्ट न्यूज इंडिया चैनल से हूँ और मैं अपने घर के सामने मिट्टी का काम कर रही थी, जिसकी शिकायत मैंने 112 डायल नंबर पे की थी। तो तत्काल पुलिस भी आई मौके पर, तो उसमें 3-4 लोग गए थे। क्या नाम है, एक संजय है और राकेश है और इनके पिता का नाम उदल सिंह है, एक मुन्ना लाल है और अंशु है। 3-4 लोग लेके थे इसमें। जब पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा था संजय को, जब पुलिस ने 151 में बता रही कि चालान कर दिया है, मुझे कुछ मालूम नहीं था, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, तो पुलिस ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और लड़के ने मुझे गाली दी, बदतमीजी की। कौन से थाने का मामला है? पिनाहट थाने का ये मामला है और मैं पिनाहट की रहने वाली हूँ। तो मैं इसकी शिकायत की कॉपी लेने गई थी वापस, मैंने कहा सर मुझे जो एनसीआर मेरी कॉपी बनती वो मुझे दे दीजिए। तो दरोगा जी ने मेरे से बदतमीजी की, अड़काया और भगाया, धमकाया कि आप यहाँ क्या लेने हैं, जाइए यहाँ से, भागिए यहाँ से। क्यों आई इसकी, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, वो वीडियो मेरे से दोबारा छीनने की कोशिश की, जिस तरीके से मेरी वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बन पाई, तो उन्होंने एक बात कह दी कि जाइए आप थाने अध्यक्ष प्रमो सर ऑफिस में बैठिए जाके, इतना बोला था ना, जो कि अपनी सच्चे दिखा रहे हैं वो। तो मैं 2 दिन से यहाँ एसएसपी कप्तान के यहाँ पे चक्कर लगा रही हूँ, मैं फ़ोन भी कर रही हूँ बार बार, और यहाँ पे मुझे कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है और मुझे पागल बना दिया जा रहा है। तो मेरे साथ ये हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, ये पत्रकार महिला हूँ मैं, मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ से भी भगा रहे मुझे, यहाँ से भी कह रहे कप्तान साहब से मुलाकात करना, कल शाम तक मैं इंतजार करती रही, भूखी प्यासी मरती, और आज भी आई हूँ मैं किराया भिड़ाया मैं कहाँ से लेके आऊँ। रखा है कि सरकार ने झूठे वादे किए कि बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे, गाली गलौज हो रहा है और जातिवादी सूचे शब्द, क्या मैं दलित बेटी, मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या, कि मेरी तहरीर देने पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मुझे धमकी दे रही है पुलिस की, अपना केस वापस ले लीजिए, लड़का पढ़ा लिखा उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी तहरीर की कॉपी मैं लेने गई थाने में, तो तहरीर देने की वापस देने की बजाय एनसीआर दरोगा जी विश्वदीप ने मुझे धमकाया और अड़काया यहाँ से कि तुझे थाने में अंदर बंद कर दूंगा, जाइए यहाँ से, भगे यहाँ से। आई गई तो 2 कोड़ी की पत्रकार तेरी औखाद किया, इतना कुछ मेरे से बोला, तब भी मैं सुन के अपने रोके चुपचाप मैं अपनी जान देने के लिए चल पड़ी। मैं बहुत दुखी, अगर मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो मैं खुद की अपनी आत्महत्या कर लूँ, अगर मेरी अगर मुझे एसएसपी तक आना पड़े कप्तान के पास, तो मेरी बहुत भूल है कि मुझे वहाँ तक जाने के बाद अगर मुझे न्याय मिले, मुझे कोई भरोसा नहीं है, मेरे लिए थाना ही बहुत है, अगर थाने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँ यार, अगर आते मुझे आत्महत्या करनी पड़े तो ये